कुछ समय पहले गाजा पट्टी के दो अस्पतालों में सामूहिक कब्र मिली थी। इन कब्रों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित 392 शव मिले थे। माना गया कि इन लोगों को भारी यातना और फांसी लगाकर मारा गया है। सामूहिक कब्र मिलने के बाद फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने इसराइल पर मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध सहित तमाम आरोप लगाए। दफनाए गए लोगों को जिंदा दफनाया गया या उनका सामूहिक नरसंहार किया गया, इसकी हकीकत के लिए फॉरेंसिक जांच की मांग की गई। अब रूस ने भी इस मामले में जांच की मांग उठाई है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेवेजिया ने गाजा में सामूहिक कब्रों की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में नेवेजिया ने कहा कि हाल ही में सामूहिक कब्रें पाए जाने की भयावह रिपोर्टें आई हैं। अपराधियों को जिम्मेदारी के दायरे में लाने के लिए एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को स्वतंत्र जांचकर्ताओं को गाजा पट्टी में सामूहिक कब्रों तक तुरंत पहुंच प्रदान करने का आह्वान किया। अमेरिकी समर्थन वाला इसराइल बीते 6 महीनों से भी अधिक समय से गाजा में आक्रामकता कर रहा है। उसने गाजा के स्कूलों और अस्पतालों तक पर हमला किया। इस दौरान इसराइली सेना ने गाजा में भारी संख्या में लोगों को मारा। बचे हुए लोग बेघर हो गए। लोगों को भोजन पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। गाजा के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान कर रहे हैं कि वो गाजा के लोगों के खिलाफ इजरायली दमन को रोकने के लिए दबाव बनाएं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का कोई दबाव काम करता नहीं दिख रहा है और फिलहाल युद्ध रुकने की भी संभावना नहीं दिख रही है।